वेलकम टू गेमिंग गेयर्स गाइस। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इंटेल ऑप्टेन की एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको फुल रिव्यू बताऊंगा कि ऑप्टेन होती कैसी है, ठीक है, इसके पूरे फीचर्स जानेंगे, इसके बेंचमार्क्स जानेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंटेल ऑप्टेन की अनबॉक्सिंग, इसके फीचर्स जानेंगे। मेरा मॉडल 32 GB है, आपको एक और इससे लो मॉडल मिल जाता है 16 GB का। मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट से 4500 का लिया है, आप ऑनलाइन मार्केट में इसे 4600 का अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके फीचर्स जानते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। मेरा जो मॉडल है ये 32 GB है, इसमें 16 GB का ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर आप कम काम करते हैं पीसी पे तो आप 16 GB ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा काम करते हैं ऐसे एडिटिंग करते हैं और हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप 32 GB ले सकते हैं। देखिए ये इंटेल ऑप्टेन M.2 पोर्ट में लगती है ये। अगर आपके पीसी में M.2 पोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट कर जाएगी, आप ही चेक कर लीजिएगा कि आपका चिपसेट सपोर्टेबल है कि नहीं उसके लिए। ये है कोई एक स्टिकर आया इसके संग, ऑप्टेन मेमोरी लिखा है इस पर, और ये कुछ वार्निंग लिखी है। ये मैनुअल है, तो गाइस देखिए इसे खोलते हैं। ये आपको 5 ईयर वारंटी के साथ मिलती है, मतलब 5 साल की वारंटी आती है सॉफ्टवेयर की। पीछे बिल्कुल ये क्लीन है, सिर्फ जो पूरी चिप है वो आगे लगी हुई है, पीछे इसके कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल क्लीन है पीछे। तो गाइस ये तो रही आपकी ऑप्टेन की अनबॉक्सिंग, ठीक है। अब चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं, और उसके बाद इंस्टॉलेशन और कितना इसने बेंचमार्क दिया, कितनी स्पीड दी है ये चेक कर लेंगे, ठीक है। ये मेन ऑप्टेन है आपकी। तो गाइस आपने इसकी अनबॉक्सिंग तो देख ली, अब इसके फीचर्स जान लेते हैं, ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो बेसिकली ऑप्टेन करता क्या है, जो आपकी पूरी हार्ड ड्राइव उसे बूस्ट कर देता है, ठीक है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। कुछ चिपसेटों में सेकेंडरी हार्ड ड्राइव बूस्ट नहीं होती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन से चिपसेट हैं, और आपको ड्राइव जरूर अपडेट करने होंगे अगर आपको सेकेंडरी हार्ड ड्राइव बूस्ट करनी है। चलिए इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पहली बात तो आपको एक 7th जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए, अगर आपके पास 6th जनरेशन का प्रोसेसर है तो इंटेल ऑप्टेन उस पर कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद आपको इंटेल के 200 सीरीज़ का चिपसेट चाहिए या फिर उससे नया, ठीक है। 200 सीरीज़ का चिपसेट जैसे Q270 हो गया या फिर B250M हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो बायोस है वो UEFI मोड पे होना चाहिए, लेगेसी मोड पे नहीं होना चाहिए। अगर लेगेसी मोड पे है तो इंटेल ऑप्टेन सपोर्ट नहीं करेगा। जो बायोस के SATA कंट्रोलर सेट हैं वो इंटेल की RST पे होना चाहिए, इंटेल की रैपिड स्टोर टेक्नोलॉजी पे ही सेट होने चाहिए। विंडो 10 होनी चाहिए 64 बिट, ठीक है। जो आपकी SATA जो आप बूस्ट करना चाह रहे हो जिस हार्ड ड्राइव को, वो SATA केबल की होनी चाहिए, ऊपर से वो SATA स्लॉट में लगनी चाहिए, एक्सप्रेस स्लॉट में। SATA भी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल होता है एक एक्सप्रेस स्लॉट होता है। तो आपकी जो वो हार्ड ड्राइव है वो एक्सप्रेस SATA स्लॉट में लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो हार्ड ड्राइव है वो GPT पार्टीशन पे होनी चाहिए, MBR पार्टीशन पे नहीं होनी चाहिए। अगर MBR पार्टीशन पे है तो आपको उसे फॉर्मेट करके GPT पार्टीशन पे करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप किसी विंडो को फॉर्मेट कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको UEFI मोड भी मिल जाएगा और जो पार्टीशन है वो GPT भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर आप अपनी सेकेंडरी ड्राइव को ही बूस्ट करना चाहते हो तो आपको एक तो लेटेस्ट ड्राइव चाहिए होंगे, ऊपर से उसका लिंक पे दे दूंगा, ऊपर से कुछ जो आपके चिपसेट हैं उस पर सेकेंडरी हार्ड ड्राइव बूस्ट नहीं हो सकती। जैसे एग्जॉन हुआ, जैसे जो i7 या F5 आए थे जो इंटेल एक्स सीरीज पे बेस्ड थे, वो भी सेकेंडरी जो ड्राइव है उसे बूस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका जो रिक्वायरमेंट थी वो, अब इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। जो ये सारी रिक्वायरमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और आपको लिंक भी दे दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो चले अब इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो भाई चलिए अब इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं।
ये देखिए मेरे मदरबोर्ड में M.2 पोर्ट 2 है, ठीक है। मेरा जो मदरबोर्ड है वो उसका चिपसेट है Z270। तो ये देख रहे हैं आप, दो M.2 पोर्ट से इसमें हम किसी में भी इंटरप्टन लगा सकते हैं क्योंकि चिपसेट हमारा सपोर्टेबल है, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्क्रू खोलते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कोई हार्डवेयर आपका इंस्टॉल होने में दिक्कत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप उसमें ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उसे सेट करने के लिए, उससे हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। अगर कोई भी हार्डवेयर नहीं लग रहा है अपनी जगह पे तो इसका मतलब आप उसे वहीं छोड़ दें, दोबारा चेक करिए, उस पर बेवजह फोर्स मत लगाइए, ठीक है। अब हम देखिए ऑप्टेन को रखेंगे और बस हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर, हल्का सा पुश करेंगे और वो अंदर चली जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर आप SSD भी लगाते हैं यहाँ पे M.2 की तो उसको भी यही करना है, हल्का सा प्रेस करके पुश करना है और वो ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया इंटेल ऑप्टेन का इंस्टॉलेशन। अब इसके बाद अपने बायो सेट कर लीजिए, हार्डवेयर देख लीजिए GPT है कि नहीं, उसके बाद आपकी इंटेल ऑप्टेन चल जाएगी। चलिए अब बेंचमार्क्स देखते हैं। तो गाइस ये कुछ टेस्टिंग है जो मैंने ऑप्टेन और बिना ऑप्टेन दोनों के संग करी है। जो स्टार्टअप में यहाँ पे 57 सेकंड लगते हैं होम पेज को आने में, वहाँ पे ऑप्टेन के साथ सिर्फ 17 सेकंड लगते हैं। CSGO के मेन पेज पे गेम प्ले में आने में 40 सेकंड लगते हैं बिना ऑप्टेन से और 16 सेकंड लगते हैं ऑप्टेन के साथ। Adobe Premiere Pro में 41 सेकंड लगते हैं उसे खोलने में और ऑप्टेन के साथ सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। GTA 5 में बिना ऑप्टेन के साथ 90 सेकंड लगते हैं और ऑप्टेन के साथ 40 सेकंड लगते हैं। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस बहुत बड़ा है किसी एक चिप के लिए जो कि आपकी दुगनी से ज़्यादा स्पीड दे रही है, ठीक है जी। देखिए आप Adobe Premiere Pro में करीबन 4x स्पीड है, 4 गुना स्पीड दे रहा है, CSGO में 3 गुना स्पीड दे रहा है, ठीक है ना। और स्टार्टअप में करीबन आपको 3 गुना स्पीड मिल रही है, CSGO में आपको 2 गुना स्पीड दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इंटेल ऑप्टेन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका चिपसेट सपोर्टेबल है और जो SSD लेना चाह रहे हैं। अगर आप जो मैंने 32 GB लिया है इतने में आप सिर्फ 250 GB की SSD ले सकते हैं। अगर आप SSD में आप एक लिमिटेड तक सामान डाल सकते हैं, विंडो भी डाल ही सकते हैं सिर्फ, और जो आपका पूरा PC है वो बूस्ट नहीं होगा, इससे आपका और PC बूस्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कि इंटेल ऑप्टेन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिनका चिपसेट सपोर्टेबल है। तो मेरे हिसाब से ऑप्टेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने ऑप्टेन ही लिया है, मैंने SSD नहीं ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए उस बटन को, प्लीज़ लाइक करिए एंड देखते रहिए गेमिंग गेयर्स। थैंक यू।